तेजस्वी को भड़काते हुए नजर आए कहीं ना कहीं कौन थे? राखी सावंत। बहुत ज्यादा भड़काते हुए नजर आए वो तेजस्वी को। एक बात बता तेजस्वी, जब ये लोग तेरे नहीं हुए, सॉरी हमारे नहीं हुए, तो तेरे क्या होंगे? तेरा तो ये दोस्त है, स्क्वेड है ये तेरा, तुम तीनों का। लेकिन ये देख नल्ले किस तरह से चीटिंग कर रहे हैं। तो वो कहती हैं तेजस्वी की, तू चुप रहे। क्यों? क्योंकि तेजस्वी को भी लगता है कहीं ना कहीं करण कुंद्रा सही है, सही का साथ दे रहा है, करण और उमर रियाज भी। लेकिन तेजस्वी ने गलत का साथ तो दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद उन्हें गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन क्या घंटा फील हो रहा है, अब क्या करेंगे? फील करके जो लड़ाई होनी थी वो हो गई। राखी सावंत कहती है कि उमर तेरी औकात नहीं है यहाँ पे रहने की, तू ऐसे ही है, तू पता नहीं कहाँ से उठ करके आ गई। ज़्यादा से ज़्यादा तू जो है ना आसिम के बलबूते पर उठ करके आया है, इस चीज़ को लेकर के भाई घर में हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल। तो उमर रियाज कहते हैं कि बेटा जब तक तू बोल रही है ना, जब तक आप बोलती रही है, मेरे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह से बोलने से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उमर रियाज ने बोली कि एक बात आप याद रखना राखी, कि जब हमारी सत्ता आएगी ना यहाँ पर, तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं। ये बात बोल करके, और ये भी बोला कि तुम्हारा कितने जितने तुम गन्ने उखाड़ने उखाड़ लो, हमारे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी बस कुछ टाइम बाद अगर उमर रिया करण कुंद्रा जीत जाता है ये टास्क, फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दूंगा, फिर तुम्हारे को बताते हैं कि क्या है उमर रियाज और करण कुंद्रा। भाई राखी सावंत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो रहा था, ये तो मैंने आज का ये लाइव फीड देख करके देख लिया, किस तरह से यार गिल्टी फील करा रही कि जहाँ पे भाई बंदा जैसा है वैसे तो कहती है कि यहाँ पे सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। अब ऐसी उम्र को कह रही है कि तू है क्या, तेरी औकात क्या मेरे सामने, इस तरह से बोला यार राखी सावंत। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत बात लगी। आपको ऐसे में क्या है कहना, हमारे को कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए फटाफट सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।